ओदी मान से लूट लूट पकड़ 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 लूट 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 हमारे आसू भाई को सियालियों ने नवाब बना दिया। यहाँ देखो पूरा हल्दी हल्दी से पूत दिया। तो दोस्तों आज शैलेश पहली बार घर वालों के पैर छुएगा। चिकन बनाने के जो हमारे एक्सपर्ट है हमारे नीरज भाई और हमारे पंकू भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब और ढंग से वीडियो को अच्छी तरह देखी। मैं अपनी फैमिली को एक साथ नाचते हुए पहली बार देख रहा हूँ। आज थोड़ा बहुत माँ भी नाची है, पापा भी नाचे है, दादी जी तो प्यार कसम से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक नई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। इन खूबसूरत सी पहाड़ियों के बीच में बसे इस खूबसूरत से गांव दाड़ीमे गांव से हमारे अमित भाई के गांव से, तो कल सडनली हमारा प्लान बन गया था धुन पनौड़ा के लिए। तो कल हम धुन पनौड़ा के लिए यहाँ आ चुके थे। हम तीन चार भाई लोग, ये तीन तो कैमरामैन आपने इससे पहले के ब्लॉग में भी देखे होंगे, आप लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराए थे। एक बार और कराता हूँ, ये हमारे पवन भाई, हिमांशु भाई और हमारे आदित्य भाई। योगा क्रिएशन आप इंस्टा पे देख सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो किस तरह की फोटोग्राफी ये करता है, किस तरह की वीडियो ये बनाते हैं। तो अभी नया इन्होंने स्टार्ट करा है। फीडबैक भी दे दो ना, किस तरह की वीडियो लगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें तो हमारा व्लॉग दिखेगा, लेकिन जब इनकी जो ये वाली कैसेट आएगी ना, मतलब ये वाली वीडियो आएगी शादी की, तो वो वाली भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग भी शादी हो गई, मुंडन हो गया, कुछ भी हो गया, या ड्रोन शूट हो गया, आपको ड्रोन शूट चाहिए कुछ, तो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा है यार, कसम से ना। फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी है, लेकिन उसके बाद इंसान इतने गजब के इंसान है ना, क्योंकि इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमने साथ ही पढ़ा है। हिमांश, ये क्या बोलते हैं, पवन भाई हमसे दो क्लास सीनियर थे, हिमांश भाई एक क्लास सीनियर, तो हम मतलब बचपन से एक ही साथ रहते, एक ही साथ खेला। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं, और जिस तरह से मिल रहे हैं लग नहीं रहा है कि इतने साल बाद मिल रहे हैं, लग रहा है कि रोज़ एक ही साथ रहते होंगे। तो फिलहाल अभी नाश्ता नुस्ता हो चुका है, अभी थोड़ा उधर चलेंगे, भाई लोग शैलेश भाई से मिलेंगे, और उसके बाद भाई लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि भाई लोगों को अभी एक और जगह भी जाना है, और हम आराम से चलेंगे। ओदी मान से लूट ला, लूट लूट, ओदी मान से लूट लूट, पकड़ पकड़ पकड़, लूट लूट लूट। हमारे आसू भाई को सियालियों ने नवाब बना दिया। यहाँ देखो पूरा हल्दी हल्दी से पोत दिया। और हम पे देखो अभी हम पे आपको एक तिनका नहीं दिखेगा। अरे इस पे भी देखो, ये इसने थोड़ा बहुत साफ कर दिया, हल्का फुल्का मेरे पे भी लगा था, मेरे पे भी साफ हो चुका है, लेकिन आसू भाई का बना दिया इन्होंने बूथ, हल्दी वाला बूथ। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम धुन पनौड़ा से वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। अभी हम आगे निकल चुके हैं, शैलेश भाई लोग पीछे आ रहे हैं, और मेरी आवाज़ में ना कसम से मेरे को लगा कि ये मतलब हल्ला कर करके मेरा ये गला दर्द हो रहा है, लेकिन ये हल्ला करके नहीं हो रहा है, ये ठंड से हो रहा है, क्योंकि कल से मैंने सबसे पहले तो डांस नहीं कर रहा, ठीक है। और जो ये गले का जो दर्द है, ये जो गले की आवाज़ है, ये और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आशू भाई, यार आशू भाई ये गलत बात है यार, यार तुम्हारी आवाज़ सही आ रही ना यार। तो अभी देखिए बीच बीच में फोटोशूट भी चल रहा है भाई लोगों का, क्योंकि 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 कल से बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, कल से सब अपने अपने काम के लिए निकल जाएंगे। आसू भाई कल अपने कॉलेज के लिए निकल जाएगा। तो ये हमारे बराती लोग ऊपर से आ रहे हैं। बराती लोग क्या, हमारे घर के लोग, बराती तो वो होंगे जो यहाँ से आएंगे। आज मामा जी ये शॉर्टकट शॉर्टकट, शाबाश बेना जी, कभी भी शॉर्टकट मत मारो, लॉन्ग चलो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग जाए। या क्या चाहिए तेरे को, क्या जताना चाह रहा, तो हाथ फैला करके फोटो चाहिए। दिव्यांशु भाई सुबह से मेरे पीछे लग चुका है, क्योंकि जो हमने घर में फोटो शूट करी थी वो फोटोग्राफर वो भाई लोगों ने मेरे को दी थी, तो ये बोल रहा है कि मेरे को दे दे। तो मैंने इसको कहा भाई जब तक तो गिड़गिड़ाएगा नहीं, जब तक तो मेरे पैर में नहीं पड़ेगा तब तक मैं तेरे को नहीं दूंगा। तो इसको मैं बहुत ज्यादा सताने वाला हूँ, और हो सकता है कि लास्ट में नहीं भी दे सकता हूँ। मैंने ये डायरेक्टली ब्लॉग में कह दिया मैंने इसको, और मुझे लगता है कि अभी हमारे दिव्यांशु भाई की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा भाई है, पहुंचना चाहिए, ठेस पहुंचना चाहिए। मैं यहीं से तो क्या करेगा बोल, क्या देगा तू मेरे को फोटो के बदले? गाइस ये फोटो नहीं दे रहा, गाइस इसका काम करने के लिए हर तैयार हूँ, पर ये फोटो देना चाहिए यार गाइस। क्या क्या देगा, क्या क्या करेगा बोल, क्या क्या करेगा मेरे लिए? गाइस कमेंट करके बताओ देना चाहिए या नहीं देना, मेरे लिए क्या करेगा बोल? तेरे लिए कुछ भी भाई, बड़े भाई एक काम करूंगा, मतलब रिस्पेक्ट अपने भाई की, रिस्पेक्ट करता ना भाई की, करता हूँ कसम से बोल, कसम से करता। देख गाइस देख सकते हैं ये छोटा बैग है बेना जी, मजा आया शादी में, बहुत मजा आया यार, क्यों आज इतना मजा आया। बेना और मैं, बेना मैं, बेना बेना जी और मैं दो एक ऐसे इंसान है जो सगाई में भी आए थे, शादी में भी आए थे, और धुन पनौड़ा में भी आ रहे हैं।
तो तीनों जगह जा चुके, तो फुल भाव का भाई बेना जी और मेरा अभी तक रहा है। लेकिन बेना जी की आवाज में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आवाज जैसी थी वैसी है, केवल आवाज हमारी बदली है, तो कोई दिक्कत नहीं। आवाज बदले कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए व्लॉग आएगा, भले थोड़ा लेट में आ रहा है लेकिन व्लॉग आएगा। शायद आज से मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज से मेरे को टाइम मिल चुका है, कल तक टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत चलता है कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी में या सीधे घर पर मिलेंगे, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। भी भाभी जी से भी नहीं मिला है आपको, बीच बीच में हल्का फुल्का जो भी शॉट लिया था उसमें आपने भाभी जी को देखा होगा, लेकिन अभी भाभी जी से बात नहीं हुई ब्लॉग में, तो कोई दिक्कत नहीं। आज से भाभी जी लोगों के साथ ही ब्लॉग मिलेगा, भाई जी लोगों के साथ, भाभी जी लोगों के साथ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बने रहिए वीडियो में। आज पहली बार पैर छूंगा। तो दोस्तों आज शैलेश पहली बार घर वालों के पैर छुएगा, अपनों से सारे के बड़ों के पैर छुएगा आज, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत देखने वाली चीज अभी होने वाली है। अबे मैंने छू रखा पहले भी। किसका छू रखा है? नहीं छू रखा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार। सोल छो लानो पहली बार, पहली बार छो लानो लगे ली पुन चल जा। ये बात शाबाश लोंडे शाबाश। नमस्कार शाबाश पंकु भाई क्या बन रहे? चिकन नमक दो नमक। ये तो दोस्तों ये बन रही है बहुत सारी क्वांटिटी में चिकन, और चिकन बनाने के जो हमारे एक्सपर्ट है हमारे नीरज भाई और हमारे पंकू भाई। ये हमारा प्याज टमाटर काटने वाला, इसका काम केवल उतना ही है और इससे ज्यादा इसको आता भी नहीं है। ये ग्रेवी वाला है और ये फैलाने वाला है। धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच यार। अरे ब्लॉग देखता हमेशा? ब्लॉग कब से नहीं आया आजकल कब से नहीं आई ब्लॉग? 2-3 दिन से। अरे यार मतलब इंतजार कर रहा था है? आ गया जल्दी से जाओ, देखो जल्दी जाओ। दोस्तों आगे हम घर पहुंच चुके थे, अभी देख सकते हैं अभी जो क्या बोलते हैं डीजे का जो साउंड है वो बंद हो रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि जब डीजे बजता है तो कसम से कॉपीराइट आ ही जा रहा है यार उस डीजे वाली वीडियो में, इसलिए मैंने डीजे वाली वीडियो में बहुत कम वीडियोज़ बना रही है, तो अभी डीजे बंद हो रखा था तो इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई जो आप लोगों ने ना शादी का जो पहला वाला ब्लॉग था, अभी केवल एक ही ब्लॉग अपलोड करा है, उसमें आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे छोटे छोटे भाई जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी है, व्यूअर भी है, मेरे छोटे छोटे भाई भी है, बहुत बड़े फैन हैं राजेश भाई। फैन मत बोलना यार भाई, ये बोलना है भाई। हाँ। तो ये ठेड वहाँ से आरका, कहाँ से? मुल्टा का नाम सुन रखा, वहाँ से आरका भाई। ये मेरे बेटे चंद कसम से कल दिया चल मेरे चैनल ना के जी चैनल ना तो पता नहीं बंद राजेश ने की ब्लॉग मैं ही हूं सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ये हमारे चाचा जी पीछे, ओ चाचा जी, अरे यार चाचा जी का ध्यान बनेगा। सौरभ सब्सक्राइब वीडियो को, ये हमारे चाचा जी है, ये हमारे चाचा जी है, चाचा जी बरात में आ रहे, शैलेश भाई शैलेश बेटे की बरात में आ रहे हैं। या और इस चैनल को सब्सक्राइब और
ढंग से वीडियो को अच्छी तरह देखी। शेयर भी करे, शेयर हमारे पुजारी मामा जी, हमारे पुजारी हमारे पैसे खा रहे हैं, बदले लोग खा रहे हैं। भाई वो भाई यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा, ये ब्लॉग में प्रचार करने के लिए नहीं बना रहा। तो दोस्तों ये प्रचार प्रचार कुछ नहीं है, केवल मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जीतने अरे बीजेपी का कांग्रेस पर आ गया। तो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करा हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरा पूरा गला बैठ चुका था यार, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी यार। तो अभी देख सकते हैं हमारी दोनों दादियाँ डांस कर रही है। तो अपनी दोनों दादियों को ना मैंने अपनी लाइफ में पहली बार डांस करते हुए देखा, वो भी शैलेश भाई की शादी में। तो कसम से इतना प्यारा, इतना गजब का डांस करा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। और उसके बाद देख सकते धीरे धीरे जो हमारी पूरी फैमिली है एक साथ मिल करके डांस करती है, हमारी माताजी, पिताजी, हमारी दोनों दादियाँ, शैलेश भाई, दुर्गेश भाई, दिव्यांशु भाई, भाभी जी, सब मतलब और भी हमारी जितनी भी बहनें हैं जो कि शादी में आए हुए थे, वो सभी और उनके पतिदेव सब एक साथ मिल करके डांस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। तो ये हम सभी के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारे पूरी धियाणियों के लिए, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था यार, बहुत ज़्यादा यादगार दिन। तो अभी देख सकते हैं सारे एक साथ मिल करके डांस कर रहे हैं, हमारी दादी जी का स्टेप तो यार वाह ओपी यार दादी। तो अभी शैलेश भाई माँ को नचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन माँ नाचने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब भी शैलेश माँ को नचा रहे हैं माँ वहाँ से भाग जा रही है, क्योंकि माँ ने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं करा यार, तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। तो अभी हमारी दादी जी भी माँ को नचाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी नहीं नाच रही यार, अभी देखते हैं नाचती नहीं नाचती। तो चलो कड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली माँ भी नाचने को रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं माँ के स्टेप। तो कसम से यार बहुत ज़्यादा भाव खा दिया यार माँ ने। तो फाइनली थोड़ा बहुत अभी माँ नाची रही है। तो दोस्तों ये हमारे लिए इतना स्पेशल दिन है ना, इतना ज़्यादा स्पेशल, कसम से जो इतना ये नाच रहे हैं ना, ये सारी हमारी फैमिली के। तो जीवन में मैं अपनी फैमिली को एक साथ नाचते हुए पहली बार देख रहा हूँ। आज थोड़ा बहुत माँ भी नाची है, पापा भी नाचे है, दादी जी तो ओपी यार, कसम से इतना गजब का डांस कर रही है ना दोनों दादियाँ। दादी हमारी ये वाली दादी, ये इसमें कॉपीराइट भी आ जाए ना कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन मेरी फैमिली ने सबने डांस किया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ये पूरी मेरी फैमिली है यार, ये मेरे पापा इधर किनारे पे, और ये हमारी माता जी, ये माता जी हो गई, ये पापा जी हो गए, और दादी जी कहाँ गई, दादी, ये देखिए दादी यार, कसम से ओपी यार दादी, कसम से इतना गजब का डांस कर रही ना। भाभी जी और शैलेश भाई, भाभी जी भी थोड़ा बहुत शर्मा रही है लेकिन कोई बात नहीं, भाभी जी नाचेगी, जरूर नाचेगी, भाभी जी को थोड़ा शर्म आ रही ना। तो अभी मैं भी पहुंच चुका हूं यहां पे नाचने के लिए, देख सकते हैं। तो यार पहली बार अपनी पूरी फैमिली मिल करके यहां पे डांस कर रही थी, तो मैंने कहा इस तरह का अवसर मैं बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता हूं। तो मैं भी गया, थोड़ा बहुत मैंने भी डांस करा, तो कसम से इतना ज़्यादा यादगार दिन रहा ना ये हमारे, हम सभी के लिए यार, मतलब पूरी मेमोरी बन के रह चुकी है हमारे लिए। तो जब इनमें से सब ये मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर उनको ये याद आएगी यार, आज नहीं आएगी तो आने वाले 5 साल बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा याद आएगा यार, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पेशल दिन, तो मज़ा आ गया कसम। तो दोस्तों फाइनली शैलेश भाई की शादी निपट चुकी है मतलब समाप्त हो चुकी है शादी, क्या शादी समाप्त हो चुकी है, यही बोलो शादी, सॉरी सही शब्द, शादी संपन्न हो चुकी है। और अभी मैं आ चुका हूँ पंकु भाई लोगों के घर पे, अभी गाने चल ही रहे हैं वैसे, लेकिन हमारे लिए समापन हो चुका है, लेकिन वहाँ पर जो हमारे घर वाले हैं वो अभी नाच ही रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमारी बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, 3-4 दिन से इतना नाच गए, इतना हल्ला कर दिया, आवाज़ की इतनी बुरी, इतनी बैंड बज चुकी है ना कसम से, क्या ही बताएं आपको, आप खुद महसूस कर सकते हो। तो फिलहाल या तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है कि शैलेश भाई की शादी के जो भी व्लॉग थे शायद बहुत मजा आया होगा, हमको तो बहुत ज्यादा मजा आया यार कसम से, बहुत ज्यादा मजा आया। पंकु भाई मजा आया ना, बहुत मजा आया, इनके साथ बराती नहीं किया और बहुत मजा आया, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी शादी रही, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हमारे शैलेश भाई की शादी संपन्न हुई।
तो आज तुम्हारे भाई ने अपने हुड से क्या हुड से मैचिंग एक कैप ली है, शायद अच्छी लग रही होगी, अच्छी नहीं भी लग रही होगी क्योंकि क्योंकि सुबह से मुंह नहीं धोया है इसलिए अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि कपड़े के लिए थोड़ा सा खुद का एक क्या बोलते हैं उसको, खुद का एक ठीक तरीके से रहना, साफ सफाई से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज छोड़ो यार, बात खत्म, रात गई बात गई, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद है कि कल मैं अच्छी आवाज में आप सभी के सामने प्रस्तुत हूंगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।